यार ये देखें इधर बच्चों ने ना कौवे को रेस्क्यू किया है, काफी देर से ये लगे हुए थे, क्या हुआ था इसे? ये सुबह से ना सुबह से ये दरख्त के ऊपर अड़ा हुआ है और जुमे की नमाज पढ़ के सुबह से यार ये फंसा हुआ है इधर, बच्चों ने उतारा है। देखे मेरे चोट भी लगी, इसको मेरे चोट भी लगी। ये देखे काफी बच्चे इधर लगे हुए, इन्होंने रेस्क्यू किया है इसे ऊपर से और इनकी गैंग पूरी इकट्ठी हो गई है। चलो रिलीज करो इसे। यार ये अग्रेसिव हो गया काफी ज्यादा, बच्चों ने इसे उतारा है ऊपर से, बड़ी मुश्किल से मुश्किल से यार ये कह रहे हैं शेर दा रहा सी, खेलन चले शेर दा रहा सी, शेर दा रहा सी। चले यार ये रिलीज करवा के जाते हैं अब इधर से, यार ये रिलीज करने लगा है भाई। ये देखे पानी शानी इसको पिला रहा है। फाइनली उड़ गया बच्चों ने यार, हिम्मत करके रिलीज कर ही दिया, चला गया ऊपर। इन लोगों ने यार मेहनत की है, एक दो और कौन कह रहा था वो कैब वाला, कैब वाला इसने नहीं की है, मुझे शक्ल से लग रहा है इसने नहीं मेहनत की। दोस्तों इस बेबी पिजन की बड़ी कंडीशन खराब है, ये देखें इससे दाना नहीं खा हुआ इतने दिन, पता नहीं कैसे ये सरवाइव ही नहीं हो रहा है। मैंने ये सिरिंज भरी तो है, इसको खिलाने की कोशिश करता हूँ, शायद जान आ जाए इसके अंदर। दोस्तों इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है यार, ये मुझे नहीं लगता ये सरवाइव कर पाएगा। यूं ही मुंह खोल के सांस लेता है, इसको मैंने पानी भी पिलाने की कोशिश की है, भीगी हुई रोटी है ये सिरिंज में, लेकिन इसने कुछ भी नहीं खाया, इससे दाना नहीं खा हुआ मम्मा पापा से अपने, और ये अब सरवाइव, बहुत बुरी कंडीशन है यार इसकी, क्या करूं यार, मुझे नहीं लगता ये बचेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। यार रात आप लोगों को पता है कि हमारा जो बेबी पिजन था ना एक, उसकी काफ़ी ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी, तो यार मैंने ना मतलब उसे थोड़ी सी फीड करवाई इंजेक्शन के ज़रिए, लेकिन उससे फीड भी नहीं था हो रहा, इतनी मतलब वीकनेस और कमज़ोरी थी यार। बस हुआ कुछ यूँ कि उससे ना दाना नहीं ले हुआ अपने माँ बाप से, और दूसरा माशाल्लाह ठीक है। फिर रात को ना मुझे एक दोस्त ने कहा इसे सर्दी भी लगी हो सकती है, किसी इसे गर्म जगह पे रखो। फिर मैंने इसके इर्द गिर्द कॉटन भी लगाया, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारा बेबी एक्सपायर हो गया, वो पड़ा हुआ है। एक बेबी तो इसका ठीक है, ये देखे मैंने इसके इर्द गिर्द कॉटन लगा दिया था कि इसको सर्दी ना लगे, मतलब बिल्कुल नॉर्मल सा कि इसका दम भी ना कुटे, और मुंह इसका मैंने बाहर ही रखा था कि ये फीड अगर हो सके तो करे अपनी माँ और बाबा से। लेकिन यार ये जो बेचारा बिल्कुल ही आप लोगों के सामने इसकी कंडीशन थी, और ये एक्सपायर हो गया था, भी छोटी चूंच वाला नायाब था ये, पता वो जो छोटी चूंच वाला ना इसके बेबी हैं, इसके बेबी से। यार यार हसरत ही रह गई कि मतलब कितने प्यारा होगा, कितने दोनों कैसे कैसे निकलेंगे। एक ये रह गया, एक उसके पास, इसके पास भी एक ये छोटी चूंच वाला, ये देखें। अब अल्लाह करे एक कबूतर निकले, एक कबूतरी निकले, ताकि इनका जोड़ा एडजस्ट हो जाए। बाकी इसको दफन करके आता हूँ भाई कुछ देर तक। दोस्तों तो फाइनली यार जो हमारा छोटा है ना, छोटा मतलब पिजन का बेबी, उसको मैं ले आया हूँ, ये देखें। मैंने कहा इसको चले यहाँ पे ना दफन कर देते, तो मैं सोच रहा हूँ कॉटन समेत ही ना, कॉटन समेत ही इसको रख दे, ताकि कोई बिल्ली शिल्ली कुत्ता वगैरह यहाँ से निकाल लेना, पहले भी मेरे यहाँ से ना छोटे चूजे निकाल लिए उन्होंने, तो यूँ ही इसको रख देते हैं। आखिरी बार दिखा देता हूँ छोटी चूंच वाला, हाय हाय ले यार, अब कोई चीज़ इसे निकालेगी नहीं इधर से। होए होए यार हमें इधर रास्ते में न्योले मिले, ये देखें ये कितने कितने बड़े हैं, एक उस सुरंग में गया है, वो भाग गया कमादों में, ये सुरंगे इनकी हैं, इसमें गया है एक, वो देखें हिल रहा है, इसकी पूंछ हिल रही है, चला गया अंदर, अभी भी उसकी पूंछ हिल रही है,
ये देखे हमें यहाँ पे न्योले मिले कितने जबरदस्त कमादों में। दोस्तों जो मना था यार वो तो हो गया, ब्लैक की अपनी को भी मैंने ओपन कर दिया, अपने पिजन सबको मैंने डाइट डाल दिया तो इन्होंने माशाल्लाह से सबने खा ली है, और इनके केजेस के अंदर भी मैंने बाजरा रख दिया ताकि अपने बच्चों को खिलाते रहे, और ब्लैकी ने भी अपनी डाइट खा ली है। ब्लैकी साहब इधर आओ, चेक करवाओ जरा इसका, अभी मैं चेक कर लेता हूँ। वैसे तो माशाल्लाह काफी इसने खा लिया है, थोड़ा सा अगर और खा लो तुम बाजरा तो। चलो यार ये तो वापिस अपने अंडों पर जाके बैठने लगी है, अभी अपने सारे अंडे कवर हुए, इधर ना शैल गिर जाए, टाइम से बंद कर दूं ताकि यार मच्छर वगैरह ना अंदर चले जाए। दोस्तों ब्लैकी और अपने पिजन्स को मैंने बंद कर दिया, इनको ओपन कर दिया चिक्स को, और इनके लिए यार मैं पालक लेके आया था माशाल्लाह से बड़े मजे से, ये देखें पालक खाते हैं, अभी इन्होंने बिल्कुल छत साफ कर देनी है यार, ये बड़े मजे से खा लेते हैं, और शेरू लोग भी बड़े मजे से खा लेते हैं, तो ये क्यों लड़ी जा रहे हैं, इनको क्या हो गया? ओए क्या हुआ है यार, ये अपने बच्चे को फीड नहीं करवा रहे, दूसरे को भी मुझे समझ नहीं लग रही उसे क्या मतलब दूँ अब खाने को, उसका मैंने पोटा चेक किया बिल्कुल खाली पड़ा, ये फीड नहीं करवा रहे, ये देख ये फीड नहीं करवा रहे। अभी यार कोई हिसाब लगाता हूँ इससे पहले दूसरा भी एक्सपायर हो। अभी दोस्तों हमने शेरू लोगों को भी ओपन कर देते हैं ताकि ये भी अपनी डाइट शाइट खा ले। शेरू के साथ ब्लैकी और ब्राउनी है, इन्होंने भी यार ये साग वगैरह सब पानी पालक खा लेने, ये भी काफ़ी शौक से खा लेते हैं पत्ते वगैरह, ये देखिएगा ये देखें काफ़ी शौक से, ये देखे ना पत्ते छत्ते खा लेते हैं, शेरू भी खा जाता है। दोस्तों मैंने बेबी को भी इधर बाहर निकाल दिया है सामने, और कबूतरों को मैंने बाजरा भी डाल दिया कि शायद ये फीड करवा दे, अभी देखता हूँ करवाते हैं फीड या नहीं करवाते। यार वो फीड करवा तो रही है लेकिन अंधेरा है काफ़ी। तो बाकी आज के व्लॉग का इधर ही एंड करता हूँ, अगर चैनल पर पहली दफा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियोस में अगले व्लॉग्स में, अल्लाह हाफिज।